हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपने जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रिमाइंडर थ्योरम पार्ट थर्ड। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट फर्स्ट और सेकंड को नहीं देख रखा है तो इस पार्ट को समझने के लिए पार्ट सेकंड आप जरूर देखिए, बिकॉज ऑफ बेस वहीं से शुरुआत हुई है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अब अपने जब किसी कैलकुलेशन के अंदर भाग दे रहे हैं तो अपना शेषफल क्या प्राप्त होगा वो अपने टारगेट करने वाले हैं। तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ ऊपर जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें की संख्या का भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बच सकता है, दोनों को अपने को कवर करना है। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां अब भाग देता हूं 67 में 100 का तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, प्लस का 67, या फिर आपका रिमाइंडर बच सकता है माइनस का 33। ये भी रिमाइंडर काफी बड़ा है। देन यहां पर अगर मैं बात करें तो यहाँ रिमाइंडर बच गया प्लस का 37, या फिर आपका रिमाइंडर बच सकता है माइनस का 63। यहाँ बात करें रिमाइंडर आपका प्लस का 25, या आपका बचेगा माइनस का 75। यहाँ बचेगा प्लस का 87 या माइनस का 13। यहाँ बचेगा प्लस का 38 या फिर बचेगा आपका माइनस का 62। ये भी रिमाइंडर काफ़ी बड़े हैं। अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए क्या चीज़ अपने अप्लाई करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को अपने जल्दी टारगेट कर पाएंगे। रिमाइंडर बड़े हैं तो बड़ी कैलकुलेशन फिर से आ गई तो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कवर करने के लिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होता है। एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन क्या है कि मान लो आपने 6 में 9 का भाग दिया तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब अपने इसे काट भी सकते हैं कि काट कर ये वैल्यू क्या आने वाली है। तो मैंने क्या किया, इसे काट लिया, ये कट रहा है आपका 3 के पाड़े से, 2/3। जब आप 2 में 3 का भाग दोगे रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहां पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन था अपना ये और मैंने इसे कन्वर्ट करके ये लिख लिया और रिमाइंडर अपना 2 बच रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कैलकुलेशन को करने पे अपना 6 रिमाइंडर बच रहा है और इसी को मैं काट कर छोटा कर रहा हूं तो हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो 2 बच रहा है। ये तो अलग अलग आ गए, हालांकि जो अपना रिमाइंडर है वो 6 ही बचना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कटिंग कर देते हो, अगर आपने कटिंग कर दी है यहां पर, तो आपको क्या करना होगा, आपने इस संख्या से ये संख्या कटिंग करके प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया था, 3 का अलग से डिवाइडेशन दिया था, 3 पे काटा था। अगर आप इसी रिमाइंडर को 3 से गुणा कर दो तो आपका रिमाइंडर वापस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कट कर देते हो, ऊपर और नीचे वैल्यू छोटी कर देते हो, तो आपने जिस संख्या से काटा है आपको उसी संख्या का गुणा करना होगा जो भी आपका शेषफल प्राप्त होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं यही बात कि कहना क्या चाहते हैं अपने। मैंने एक और क्वेश्चन लिया छोटा सा, वो क्वेश्चन क्या था, 12 में अगर आप भाग दोगे 9 का तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। 12 में अगर आप 9 का भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर बचना चाहिए 3। आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। अगर मैं इसे कट कर दूं, क्वेश्चन तो मेरा ये है लेकिन इसे छोटा करने के लिए मैं कट कर दूं, 3 से कट रहा है ये आपका, साइड में लिख दिया मैंने 3 से मैं काट रहा हूं, ये बन गया 4 और यहां पर बन गया 3। 4 में जब 3 का भाग दोगे तब रिमाइंडर आ रहा है 1। अलग अलग कैसे पॉसिबल है। अगर आपको सही उत्तर तक जाना है, अगर आप कट करके अपना रिमाइंडर प्राप्त करें तो ये सही उत्तर नहीं देगा, क्वेश्चन कुछ और था, मैंने उसे अपनी तरफ से काटा है। तो सही उत्तर तक जाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपका रिमाइंडर आया है उसका 3 से गुना करना होगा, बिकॉज ऑफ आपने 3 से कटिंग की थी, आपका रिमाइंडर 3 सेम आ गया आपका। यही चीज अपने को समझनी है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि रिमाइंडर बड़े आ रहे थे, तो मैं इस क्वेश्चन में कुछ कटिंग करूंगा अपनी रिक्वायरमेंट के लिए कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। और एग्जाम में भी हमें यही चीज ध्यान रखनी होगी कि यहां से अपने को कटिंग करनी है और अपना जो क्वेश्चन है वो काफी जल्दी सोल्व आउट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि अपने को कटिंग करनी कैसे है और जो भी कटिंग होगी मैं साइड में लिख लूंगा ताकि उत्तर जब प्राप्त होगा शेषफल उस संख्या से मैं शेषफल को गुना कर दूंगा। तो मैंने यहां देखा कि 125 और 100 ये कट हो रहे हैं, ये आपका 5 पे 25 के पारे से, मैंने 25 लिख दिया साइड में, और ये आपका कट हो रहा है 4 पे। अब मुझे करना क्या है, ऊपर वाली कैलकुलेशन को अब 4 का भाग देना है और मैंने किससे कटिंग किया, 25 से किया, वो मैंने साइड में लिख लिया 25।
तो यहां पर अगर हमने बात करें, अब सोल्व करते हैं, अब 67 में अगर आप 4 का भाग दो, रिमाइंडर आपका 3, अगर आप 37 में 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, प्लस का 1, 36 तक पूरा पूरा जाएगा। अगर आप 5 में 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका प्लस का 1, अगर आप 187 में 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका प्लस का 3, अगर आप 138 में 4 का भाग दोगे रिमाइंडर आपका प्लस का 2। रिमाइंडर देखो काफी छोटे आ चुके हैं। तो अब अगर अपने देखें तो अपने पास रिमाइंडर क्या आ चुके हैं, 3 गुना 1 गुना 5 सॉरी गुना 1 गुना 3 गुना 2 डिवाइड बाय 4। अब ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 डिवाइड बाय 4, 18 में 4 का भाग दोगे रिमाइंडर आपका 2। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये तो कटिंग करेगा अपने पर, आपके एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो 2 का आपको 25 से गुना करना होगा, आपका रिमाइंडर क्या आएगा 50। जिस संख्या से मैंने काटा था उसी संख्या से मैंने गुना कर दिया, आपका रिमाइंडर आ चुका है 50। अब यही कॉन्सेप्ट लेकर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन टारगेट करते हैं, 125 गुना 343 गुना 907 गुना 52 गुना 117 डिवाइड बाय 16। बड़ा टिपिकल अजीब सा क्वेश्चन है, 16 का भाग आना चाहिए, तो पहले मैं ये चेकआउट करना क्या कुछ कटिंग हो रही है। यस, यहाँ पर आपकी ये कटिंग हो रही है 4 से, जब 4 से कटिंग करोगे तो यहाँ बचेगा 13 और यहाँ बच जाएगा 4। अब अगेन आपको सिर्फ 4 का भाग देना है, 4 का भाग देते ही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 125 में जब आप 4 का भाग दोगे तो आप जल्दी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, 4 से विभाजकता का एक नियम होता है। 4 से कोई भी नंबर डिविजिबल है उसका रूल क्या है कि आपको उस संख्या के सिर्फ लास्ट दो डिजिट में ही 4 का भाग देना है। अगर लास्ट दो डिजिट में 4 का भाग दोगे जो रिमाइंडर बचेगा तो एक्चुअल में उस संख्या में भी वही रिमाइंडर बचेगा। तो यहां पर मैं कैसे कर रहा हूं, सिर्फ 25 में 4 का भाग दे रहा हूं, 25 में 4 का भाग दूंगा रिमाइंडर आपका 1 प्लस का, 43 में 4 का भाग दूंगा तो 44 तक पूरा पूरा जा सकता है, रिमाइंडर आपका -1। यहां लिख देता हूं -1, यहां लिख देता हूं +1 ताकि आपको जल्दी अच्छे से समझ आए। यहां सिर्फ 07 में 4 का भाग दूंगा रिमाइंडर आपका प्लस का 3 या -1, यहां 13 में दूंगा तो 12 तक जाएगा +1, यहां 17 तो 116 तक जाएगा रिमाइंडर आपका +1। तो ये लिख लेता हूं क्या क्या बचा, 1 बचा था, -1 बचा था, -1 बचा था, +1 बचा था और +1 बचा था। और मैंने कटिंग की थी वो किससे की थी, 4 से की थी, वो मैंने साइड में यहां पर ऊपर लिख लिया कि 4 से मैंने कटिंग की थी। अब यहां पर 1 का मल्टीप्लीकेशन, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका ऊपर पॉजिटिव आएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया डिवाइड बाय 4। 1 में 4 का भाग दो रिमाइंडर आए 1, लेकिन ये आंसर नहीं है, मैंने 4 से कटिंग की थी तो 4 से मुझे गुना भी करना होगा, तो 4 से मैंने गुना किया रिमाइंडर आपका 4, क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट, अगर आपको थोड़ी समझने के अंदर दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सॉल्व आउट कर दूं। साइड बाय साइड अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो आपके पास ये वीडियो है, आप इसे रिवर्स करके फिर से भी देख सकते हो। और अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट अगली जो पार्ट है उसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे कि जो पावर वाली संख्याएं हैं, घात वाली संख्याएं हैं, उनमें किसी संख्या का अगर मैं भाग दूंगा तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।